एवरी वन वेलकम टू करंट क्रंच टू लेट स्टार्ट टूडेज वीडियो विच इज यू ऑफ चैप्टर नंबर एट रिलीजन एंड सोसाइटी होपफुली आज के इस वीडियो में हमारा एक चैप्टर कवर हो जाएगा बिफोर यू प्रोसीड फर्दर एज एलवेज से डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल और कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं इन केस यू वॉन्ट टू रीच आउट टू मी डायरेक्टली मेल आई डी करंट क्रंच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हमारा हम आज का वीडियो एनिमिज्म एनिमिज्म किसने दिया था ए बी टैलर से रिलेटेड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसी को थोड़ा यहाँ पे और इन्होंने एक्सप्लेन किया है ठीक है एनिमिज्म मैंने आपको कल भी कहा था इट इज अ बिलीफ इन स्पिरिट्स हम क्या कहते हैं हर चीज जो है चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है उसके अंदर एक स्पिरिट होती है ठीक तो, है तो एनेमा मीन योर सोल स्पिरिट इट होल्स की जो वर्ल्ड है इज ड्रिवन बाय स्पिरिट्स एनमिज्म अवन फॉर्म ऑफ रिलिजन जिसमें मैन फाइंडेंस ऑफ स्पिरट इन ऑब्जेक्ट्स और नोशन दैट सराउंड बेसिकली जो चीज़ें भी उसके सराउंडिंग होती हैं उसको सराउंड करती हैं वो ऐसा बिल्फ है इस रिलिजन के uh, जो होल्ड करते हैं इस रिलीजियस बिलीफ को कि उन सब चीजों में एक स्पिरिट एक सोल होता है एनमिज्म को माना जाता है प्रिमेटिव आइडियाज दैट गेव बर्थ टू रिलिजन इन सोसाइटी एंड एज अ रिलीजियस कॉन्सेप्ट इट इज एसोसिएटेड विदिटिव पीपल तो ए बी टैलर ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने कहा कि ये एक प्रिमेटिव सोसाइटी से रिले है. In fact, उन्होंने अपनी इस बुक में, अपनी इस में में जिस इसका जिक्र किया उसका नाम ही था। ठीक है। आज भी प्रैक्टिस होती है टिटोन स्नॉक्स ऑफ अमेरिका प्रैक्टिस करते हैं को। ये मानते हैं जो स्पिरिट्स है वो नेगेटिव रोल प्ले करते हैं और उनको खुश करना इनके लिए जरूरी है उसको एक खुश करते हैं आ, नेगेटिव रोल जो स्पिरिट्स प्ले करती हैं उनको पेसिफाई करने के लिए ये इनको अपीज करते हैं थ्रू देयर गोस डांस सेरेमनी ठीक है यही बातें इसमें लिखी हुई हैं हमने कल भी डिस्कस करी थी हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में लोग काफ़ी चैलेंजेस फेस करते थे उनको लगता था कि उनकी जो हैप्पीनेस है वो किस पे लाई करती है, है हैप्पीनेस ऑफ इज डेड रिलेटिव्स एंड एनसिसटर्स तो उनका ये मानना था जो एनसिस्टर्स या उनके जो रिलेटिव जिनकी डेथ हो गई है उनका हैप्पी रहना काफ़ी ज़रूरी है ताकि वो अपनी लाइफ जो है वो आराम से जी सके अगर आप देखो कि ये कॉन्सेप्ट आज भी रिलीजन में फॉलो होता है जैसे हिंदुइज्म में श्राद्ध वगैरह परफॉर्म करते हैं यही होता है ना कि आत्मा की शुद्धि आत्मा की शांति के लिए ताकि जो आत्मा है वो शांत रहे और अगर आत्मा अशांत रहेगी तो उस पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके फैमिली पे पड़ सकता है तो आज भी ये चीजें हम मानते हैं कही कहीं ना कहीं ठीक है तो इस वजह से एनिमिज्म को एनसिस्टर वर्शिप थ्योरी भी एनिमिज्म के थ्योरी को एनसिस्टर वर्शिप थ्योरी भी कहा गया था ई बी टेलर वॉज अ फर्स्ट सोशलॉजिस्ट जिसने इलाबरेट किया था कॉन्सेप्ट अपनी फेमस बुक प्रिमेटिव कल्चर में ठीक है ये बुक का नाम आप याद रख सकते हैं उन्होंने फाइनली अः uh, क्या किया था उन्होंने डेवलप किया था एक डिस्टिंगशन बिटवीन मैजिक रिलीजन एंड साइंस ठीक है तो मैजिक रिलीजन एंड साइंस भी किससे एसोसिएटेड हम करके एसोसिएट करते हैं ई बी टाइलर से E. Tyler, जो है, तो उनका क्या मानना था? ये का है और बाद में जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है कॉम्प्लेक्स होती जाती है हम, हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आता है मॉडर्न रिलीजन का फाइन तो ये कुछ बातें जो ई बी टाइलर से रिलेटेड आपको याद रखनी है अकॉर्डिंग टू हिम एनी टाइप ऑफ स्पिरिचुअल फिनोमिना देखो ये बेसिक अगर ये लाइन आपको समझ में आ जाए ना यही सारा कॉन्सेप्ट है आपके एनिमिज्म का bhi spiritual phenomena, souls, divines, etc., which are animated and interpreted by man, explain the stage of animism. अगर कोई भी जैसे सोल आपके एनसिस्टर की सोल उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ रहा है दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं बोल रहे हो वो सोल जो है वो एक लिविंग चीज है एक लाइवली चीज है ठीक है वो होता है एनिमेट करना चीज़ों को उनके अंदर कोई एनर्जी डालना उनके अंदर एक लाइवली एक्सपीरियंस डालना अगर आप बोलते हो कोई भी डिवाइन सोल चीजों को आप क्या कर रहे हो आप एनिमेट कर रहे हो उनके अंदर एक लाइफ डाल रहे हो वो एक्सप्लेन करता है एनिमिज्म को

तो यूजली बच्चे क्या करते हैं हम उस टॉय को पकड़ के उस बातें करते हैं या अगर टॉय चलो हम पेट्स होते हैं हमारे पास कैट्स वगैरह हम मानते हैं कि इनके अंदर सोल है तो ये रेसिप्रोकेट करेंगे ठीक है या हमारे नॉन लिविंग चीज़ें आप अपने फ़ोन के साथ अटैच होते हो कोई आ, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं बच्चे होते हैं वो टेडी बियर्स के साथ अटैच होते हैं वो उनके साथ बातें करते हैं वो मानते हैं कि नहीं ये हमारे साथ है ठीक है तो उनका ये बोलना था क्योंकि टाइलर ने क्या कहा था कि सिर्फ प्रिमेटिव सोसाइटी में ऐसा होता था तो इसका बाद में काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया था पोस्ट ने उन्होंने कहा नहीं नहीं सोसाइटी में मॉडर्न सोसाइटी में भी लोग अपनी जो सराउंडिंग्स है उनको एनिमेट करते हैं ठीक है तो ये थोड़ा इसका नेगेटिव तो ये हो गया एनिमेजर कल हमने पढ़ लिया था ठीक है टाइलर ने अः टाइलर से आप एसोसिएट करते हो इस चीज को बुक थी उनकी प्रिमेटिव कल्चर उन्होंने हमें आइडिया दिया था कि प्रमेटिव सोसाइटी में होता था ये प्रेमेटिव लोगों का रिलीजन है बेसिकली वो एनिमेट करते हैं अपनी सारी अराउंड सराउंडिंग्स हैं उनको और बिलीव करते हैं कि जो वर्ल्ड इज ड्रिवन बाय स्पिरिट्स और सब्सिक्वेंटली उन्हें डेवलप किया था कॉन्सेप्ट ड्रा uh, किया था डिस्टिंक्शन बिटवीन मैजिक रिलीजन एंड साइंस से और भी स्कॉलर्स ने किया था मेलनॉस की वगैरह ने तो यहाँ पे हम करेंगे टाइलर की बात एनिमिज्म वाले इसमें टॉपिक में ठीक है तो आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म मोनिज्म होता है बिलीफ इन वन गॉड ठीक है और प्लुरलिज्म होता है जहां पे कई डिफरेंट डिफरेंट जो रिलिजन है वो को एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट रिलिजन को एग्जिस्ट ठीक है मोनिज्म बिलीव इन दिंगल इट्स अ बिलीव इन सिंगल एट्रीब्यूट गॉड या रिलीजियस आइडिया में ये सेंटर इट इज सेंटर्ड ऑन द बिलीफ ऑफ वननेस ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस और इन द सिंगल गॉड और आइडियोलॉजी हमारे करंट रिलीजन हैं ऐसे ठीक है जो मोनो मोनोथिस्टिक रिलीजन जिनको बोला जाता है क्रिश्चियनिटी या आपका आ, इस्लाम हो गया वो बिलीव करते हैं वननेस ऑफ गॉड पे फाइन ये जो टर्म थी पॉपुलर थी सारे कल्चर्स में इंक्लूडिंग हिंदुइज्म में भी एज अद्वेता जो एक आ, सब फिलोसफी है हिंदुइज्म में ठीक है वो भी बिलीव करती है वन गॉड पे फाइन वो बोलता है कि डिसाइपल और गॉड जो है दे आर बेसिकली वन और उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है नो डिस्टिंगशन बिटवीन डिसाइपल एंड गॉड यह अद्वेता फिलोसफी कहती है थीके? तो सिमिलरली अद्वेत फिलोसफी हिंदुइज में मॉडर्न रिलीजन में इस्लाम जो है अदर देन अल्लाह ये बिलीव करते हैं वननेस ऑफ अल्लाह में ठीक है उसके बाद आपका आ गया हिंदुइज्म में अद्वेता वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया सूफी सेन्ट्स जो है ये भी स्ट्रेस करते हैं अपॉन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल पावर ऑल पावरफुलटेटिटी सम ऑल्सो बिलीव दैट मोनिस्टिक बिलीव आर दी सिंबल्स ऑफ नेसेंट रिलीजन एज डिफरेंट कल्स एंड सेक्स इमर्ज फ्रॉम द ऑरिजिनल रिलीजन इट ट्रांसफॉर्म्स इंटू ए प्लूलिस्टिक रिलीजन तो काफी उनका ये भी देखो इसमें भी आपको मिलेगी एक ये कॉन्ट्रोडिक्शन देखने को मिलेगी कई उन्होंने कहा था इवॉल्व हुआ पहले प्लूरलिज्म से और आहिस्ता आहिस्ते हम मोनोथिस्टिक पे आ गए एवोल्यूशनरी मोड में एवोल्यूशनरी थियोरिस ने लेकिन कईयों का कहना था जो स्टार्टिंग हुआ था बेसिक रिलीजन का वो मोनिस्टिक बिलीफ से हुआ था कि आप एक में बिलीव करते थे वहां से फिर सेक्ट और कल्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया और अल्टीमेटली प्लूरल रिलीजन जो है वो एग्जिस्ट हो गए ठीक है तो वो सेक्ट कल्ट क्या होता है मैं आगे डिस्कस करना है ई बी टाइलर ने क्या कहा था उन्हें एवल्यूशनरी थियोरी ऑफ रिलीजन दी थी थे। एवोल्यूशनरी थ्योरी ने क्या कहा था मोनोथिस्टिक जो है वो मॉडर्न सोसाइटी का हॉलमार्क है और प्लूरलिस्टिक रिलीजन जो है वो प्रमेटिव सोसाइटी से रिलेट करते थे पैंथिज्म और एक कॉन्सेप्ट रिलीजन का देखो पैंथिज्म बेसिकली क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कोई डिफरेंस नहीं है आपके यूनिवर्स में और आपके नेचुरल वर्ल्ड में कि सब कुछ डिवाइन है सब कुछ स्पिरिचुअल है नेचुरल वर्ल्ड में जो आप देख रहे हो अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग्स देख रहे हो सोशल सराउंडिंग्स देख रहे हो बेसिकली सब डिवाइन है ठीक uh, है ये सब डिविनिटी से रिलेटेड है ठीक है इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है आपके सुपर नेचुरल वर्ल्ड में और आपके फिजिकल वर्ल्ड में फाइन ये भी ये इसका ये हो गया आइडेंटिकल विद डिविनिटी एंड एवरी थिंग इन कम्पैसिजन ऑल एनकम्पैसिंग गॉड ठीक है ये बिलीव नहीं करते हैं डिस्टिंक्ट पर्सनल और एंथ्रोपोमो एंथ्रोपोमार्फिक गॉड में दैट मीन्स आपका कोई अपना फॉर्मलेस या पर्सनल गॉड नहीं होता ये सारी चीज़ें जो है एक मतलब यूनिवर्सल एंटिटी चल रही है एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड है जो डिवाइन है आपके अराउंड ठीक है तो इसमें दो दने पेंथिज्म पॉपुलराइज हुआ था सेवेंटीन सेंचुरी में आइडिया ये ऐसा आइडिया काफ़ी रिलीजन में प्रेजेंट है हिंदुआज़म बुद्धिज़्म वगैरह हिंदुज़म में जैसे बोला जाता है ब्रह्मान यूनिवर्सल सोल वही बेसिकली ये चीज़ें बोलता है फाइन तो इसको काफ़ी ये मिला था बूस्ट भी मिला था क्योंकि काफ़ी बड़े फॉलोवर्स जो थे इसके नोटेड फॉलोवर्स जैसे विलियम वर्सवर्ट ठीक है रैफ एमरसन हेनरी डेविड एंड लेटर इन ट्वेंटी सेंचुरी एवं आइंस्टीन तो काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोग इससे एसोसिएटेड हैं जिस वजह से रिलीजन काफ़ी ये पेंथिज्म फॉर्म भी काफ़ी फेमस हुआ था Of क्या होता है? ये बोलते हैं जो मैसेज uh, है या जो रिलीजियस एक्सपीरियंस है कोई कमांडमेंट है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मैसेंजर की जरूरत पड़ती है ये आपको कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में भी मिलेगा आपको इस्लाम में भी मिलेगा ठीक है प्लूरिस्टिक रिलीजन क्या कहता है जो ऑन द अदर हैंड आ दो जो अकोमोडेट करता है डिफरेंट व्यू पॉइंट की डिफरेंट रिलीजन है वो को करते हैं सोसाइटी में ठीक प्लूरलिज्म सिंपलेट टर्म्स कैन बी डिफाइंड एज रिप्रेजेंटिंग अदर्स एज अदर एंड इज अ काउंटर आइडियोलॉजी टू एक्सक्लूसिव एक्सक्लूविज्म एक्सक्लूसिविज्म क्या बोलता है कि एक्सक्लूड करो बाकी चीजों को पर यह एक्सक्लूड नहीं करता है ये अकोमोडेट करता है जो प्लूरल पॉइंट ऑफ व्यू है प्लूरल कॉन्सेप्ट है ये अकोमोडेटिव होता है सारे व्यू पॉइंट्स का ठीक फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज वन डिफरेंट रिलीजन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन पोजेस द सेम राइट्स ऑफ वर्शिप एंड पब्लिक एक्सप्रेशन तो बेसिकली प्लुरिज्म आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी देता है क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट जो व्यूज है वो थ्राइव करते हैं हिंदुइज़म इस ऐसी एग्जाम्पल है क्योंकि हिंदुइज़म में मल्टीपल एंड आइडियोलॉजीज हैं लाइक वैष्णव शेव अद्वैत द्वैत वगैरह ठीक है तो इसमें प्लुरालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है

वो भी प्लुरैलिटी से सॉल्व हो जाते हैं और इंटर रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट जो डिफरेंट रिलीजन के आपस में होते हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं आपके प्लुरैलिटी वाले कॉन्सेप्ट से ब्रूस ने कहा था रिलीजियस प्लुरलिज्म फ्रॉम ए वायटी ऑफ सोर्सेज एंड इट हैज अंडरमाइंड कम्यूनल बेसिस ऑफ रिलीजियस रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एज वेल ठीक है तो ये वराइटी ऑफ सोर्सेज से आपका ये आता है प्लूरलिज्म और or मिस हो, किया है कहीं पे हाँ जो है, वो इससे डिफरेंट होता है ये याद रखना से डिफरेंट होता, होता है जिसमें सारे रिलिजन मिक्स मिक्स तो होते हैं लेकिन एक सिंगल आउटपुट निकलता है दैट मीन्स आप फॉलो एक सिंगल चीज कर रहे हो जो चीज डिफरेंट चीजों के मिक्सचर से बनी है डिफरेंट रिलीजन के व्यू पॉइंट से मिक्सचर से बनी है प्लूरालिटी में ऐसा नहीं होता है प्लूरालिटी में आप को एग्जिस्ट करते हो ठीक है ये इनके बीच का डिफरेंस आप याद रख लेना ये हो गया रिलीजियस प्लुरिज्म जो है इंडिया में एग्जिस्ट की है बहुत पहले से क्योंकि मुस्लिम आए थे बुद्धिस्ट आए थे ये जो जो आपके पार्सीज हैं ठीक है इनको रिफ्यूज मिला था इंडिया में तो इंडिया जो है वो रिलीजियली आप उसको प्लुरल सोसाइटी बोल सकते हो लेकिन प्लुरैलिटी के आप हमें कुछ नेगेटिव भी देखने को मिलेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं रिलीजियस प्लुरिस्टिक प्लेसेस में जैसे सीरिया में और यूरोप में भी हुए हैं इसका मतलब होता है प्लुरलिज्म के कुछ डिसफंक्शन भी हैं ठीक है प्लुरलिज्म पीटर बर्जर हैज लिंग द ग्रोथ ऑफ प्लुरस्टिक बिलीफ किसके साथ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ मॉडर्नाइजेशन के साथ एंड सेक्युलराइजेशन के सेक्युलराइजेशन के साथ क्योंकि जो प्लुरिस्टिक बिलीफ है दे अंडरमाइंड द वन एब्सोल्यूट ट्रोथ ठीक है ये सेक्युलराइजेशन वगैरह हमें आगे पढ़ना है तो प्लुरिस्टिक बिलीफ क्या मतलब होता है आप एक्चुअली मॉडर्न मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हो क्योंकि आप दूसरों के व्यू पॉइंट्स को भी समझने की कोशिश करते हो आप सेक्युलराइज हो रहे हो आप किसी एक एब्सोल्यूट ट्रूथ के पीछे नहीं भाग रहे हो ये हो गया आपका मोनिजम एंड है आई होप इट्स क्लियर नाउ अब है आपका टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस सेक्ट्स एंड कल्ट्स ठीक है हम देखते हैं सेक्ट्स कल्ट्स डिनोमिनेशंस वगैरह हमें इसमें देखने वो क्या होता है देखो कोई एक एस्टैब्लिशड रिलीजन है फॉर एग्जांपल इसको बोला जाता है एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से हम इसको देखते हैं कोई एक इंस्टीट्यूशनल रिलीजन या कोई एस्टैब्लिशड रिलीजन होता है एस्टैब्लिशड चर्च ठीक है ये रिलीजन इंस्टीट्यूషलाइज है फिर क्या होता है कोई एक करिस्मेटिक लीडर आ गया किसी को लगा कि नहीं इसको ठीक नहीं चल रहा है कोई करिजमेटिक लीडर आ गया उसको लगा कि नहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत है अपने अलग फॉलोवर्स बनाने की कोई और बातें वो बोलना शुरू करता है जो उस टाइम के मासस के लिए अपीलिंग हो ठीक है तो क्या आते है उसके बाद में एक फॉलोइंग बढ़ती जाती है थोड़ी अब ये लूजली ऑर्गेनाइज होता है ये मेन स्ट्रीम को भी द कॉल आउट नहीं कर रहा है ये बस अपने कुछ व्यू पॉइंट्स रख रहा है जो उस टाइम के मासेस को उस टाइम की सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपील करे फिर क्या होगा या तो कल्ट ऐसा ही रह जाए इसको हम कल्ट बोलते हैं ठीक है अब क्या होगा तो कल्ट ऐसा ही रह जाएगा या दो चीजें हो सकती हैं इसकी मेंबरशिप जो है कल्ट की वो बढ़ती गई या कल्ट का जो लीडर है उसकी डेथ हो गई ठीक है अब क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा मेंबरशिप बढ़ गई है कल्ट लीडर जो ऐसी बातें करता था वो उसकी डेथ हो गई या उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो खत्म हो गया किसी तरीके से उस कल्ट से वो दूर हो गया आप जब ये चीजें हो रही हैं तो आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आने की जरूरत है ना एक बार कोई भी चीज अगर लूजली स्टार्ट होती है वो हमेशा के लिए लूज नहीं रह जाएगी वो एक टाइम पे एक फॉर्म लेना शुरू करेगी तो फिर आपका सेक्ट आ जाता है सेक्ट में क्या होता है अब आप क्या करोगे क्योंकि अब आप एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बन गए हो आपके पास तो कॉन्फिडेंस आ गया है आप आप ओपनली कॉल आउट करना शुरू करते हो मेन स्ट्रीम रिलीजन को आप खुद को उसे डिसोसिएट करना शुरू हो जाते हो कि हम तो इससे अलग है तो आप सेक्ट बन जाते हो ठीक है उसके बाद क्या होता है सेक्ट हो गया आपने उसको डिसोसिएट किया खुद को मेन स्ट्रीम रिलीजन से कि हमारा इसे कोई लेना देना नहीं है आपके अपने व्यू पॉइंट्स आपने पुट फॉरवर्ड किए अब आपकी जो मेंबरशिप है वो भी कितनी बेसिस पे होगी आपको कुछ रूल्स प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़े मेंबरशिप लेने के लिए कल्ट जो है ये लूजली ऑर्गेनाइज था तो ये ओपन था सबके लिए ज्वाइन करने के लिए ठीक है इसमें क्या हो गया आपको मेंबरशिप अब हासिल करनी पड़ी सेक्ट के लिए आपको वो बिलीफ अपने अंदर लाने पड़े वो प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़े उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब कोई चीज रजिट होती है फिर वो फिर से एक नरम वाले फॉर्म में सॉफ्ट फॉर्म में आना शुरू हो जाती है तो थोड़ा जो इसकी रजिटनेस थी वो कम होना शुरू हो गई जो विगर था सेक्ट का वो कम होना शुरू हो गया अब आपको क्या चाहिए था कि अब आपको मेन स्ट्रीम से आप दूर हो रहे थे सेक्ट में अब आपको थोड़ी एक्सेप्टेंस चाहिए कि आपको भी जो स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन है वो एक्सेप्ट करना शुरू हो जाए तो फिर आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे डिनोमिनेशन में डिनिनेशन डिनोमिनेशन क्या होगा ये इसी का एक सॉफ्टवेयर वर्जन देखो आप जो आपको एक्सेप्ट करेंगे वहां के इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन और फाइनली आपका चर्च और फाइनली क्या हो जाता है इंस्टीट्यूशनलाइज आप हो जाते हो और आप एक चर्च में कन्वर्ट हो जाते हो यहाँ पे चर्च एक जनरल टर्म यूज किया गया डिफरेंट रिलीजन के लिए हम इसको बस इसे सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है चर्च की एक इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म ऑफ रिलिजन से ठीक है तो ये है अगर हम इसको एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव में एक्सप्लेन करना चाहें ठीक तो हम आगे बढ़ते हैं पहले मैं इरेज कर दू आई होप आपको ये समझ में आ गया हो ये थोड़ा इसका बेसिक था क्योंकि जब तक ये बेसिक क्लियर नहीं होता फिर बुक का ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है जो सेक्ट एंड कल्ट आर टू फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ही रिप्रेजेंट करते हैं रिलीजियस रिवाइवलिज्म ऑन वन हैंड एंड सर्च फॉर द ऑल्टरनेट रिलीज़स एक्टिविटीज़ ऑन द अदर हैंड ठीक है ये दोनों चीज़ें इसके अंदर होती है ऑल्टरनेशन इसको ऑल्टनेटिव कुछ भी चाहिए होता है और इसको कोई चीज़ें रिलीजन की रिवाइव भी करनी होती है दे ऑफन रिप्रेजेंट ऑसिफिकेशन ऑफ द डोमिनट रिलीजन एंड सर्च फॉर ऑल्टरनेटिवस अब क्या होता है रिलीजन जो मैंने आपका इंस्टीट्यूशनल रिलीजन होता है वो थोड़ा रिजिड बन गया होता है स्ट्रॉन्ग बन गया होता है ठीक है उसका मतलब होता है ऑसिफिकेशन हो गई होती है डोमिनट रिलीजन की वो रिजिड हुआ होता है तो आपको उसके ऑल्टरनेटिव चाहिए क्योंकि ज़्यादा रिजिड में जो रिजिडिटी कंट्रोल होती है उसके अंडर रहना किसी को पसंद नहीं है ठीक है तो आपको थोड़े ऑल्टरनेटिव की जरूरत होती है तो फिर अल्टीमेटली सब्सिक्वेंटली क्या आ जाते हैं आपके कि कल्ट सेक्ट्स वगैरह इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो कल्ट सेक्ट डिनोमिनेशन और इंस्टीट्यूशनल रिलीजन और चर्च आर सीन अलॉन्ग ए कॉन्टीन जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ये डिफर करते हैं ईच अदर से कैसे डिफर करते हैं ये भी मैंने आपको बताया कल्ट में जो होता है वो लूजली ऑर्गेनाइज होता है और सेक्ट जो होता है वो ओपनली मेन स्ट्रीम से खुद को डिसोसिएट करता है एंड इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है आपको ठीक है और ये एक वेल ऑर्गेइज फॉर्म में होता है कंटेम्प्रेरी सोशलॉजी में हमारे पास और एक चीज आती है न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स इज अ टर्म विच इज नाउ वट इज प्रेफर और सेक्ट्स एंड कल्ट्स वो यहाँ पे भी हमें देखनी है पहले हम ये चीज जो है वो एक्सप्लेन करेंगे जी में हमें चर्च से टाइपोलॉजी जो है ये ओरिजिनली क्वाइन की थी वेबर एंड ट्रॉल्स ने इन फैक्ट ट्रॉल्स ने कहा था ही वॉज अमंगट किया था वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को इनने कहा था जो चर्च है एक लार्ज एंड वेल स्टैब्लिश रिलीजन इंस्टीट्यूशन है ब्यूरोक्रेटिक है इट्स वर्किंग दैट मीनस कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म में होगा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में होगा एक हायर की रैंक ऑफ ऑर्डर जो है वो फॉलो करता होगा विच इज अ कलमिनेशन ऑफ द एवोल्यूशन फ्रॉम सेक्ट ये मैंने आपको बताया कल्मिनेट कैसे करता है चर्च में पहले आपका कल्ट आ गया फिर सेक्ट आ गया डिनोमिनेशन आ गया और फाइनली एक चर्च ठीक सेक्ट ऑन द अदर हैंड स्मॉलर होता है साइज में इंक्लूज एंड हैज अ डिफरेंट एजेंडा देन द डोमिनेंट रिलीजन मैंने कहा मेन स्ट्रीम रिलीजन से अलग होता है और उसको ओपनली कॉल आउट करता है हॉवर्ड बेकर ने फर्दर एडिड डिनोमिनेशन एंड कल्ट टू द चर्च टाइपोलॉजी ऑफ वेबर एंड इन हॉवर्ड बेकर ने क्या एड किया था इसमें डिनोमिनेशन एंड कल्ट तो वो भी हमने देखा डिनोमिनेशन क्या होता है एंड कल्ट क्या होता है वेरियस थियरिकल एक्सपी एक्सप्लेनेशन है राइस ऑफ सेक्ट एंड कल्स और न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स एक टाइप के हो गए नए सेक्ट्स और कल जो इमर्ज होते हैं वन सेक्शन ऑफ सोशलॉजिस्ट आर्ग्यू दट दे आर रिजल्ट ऑफ फाइडल प्रोसेस ऑफ सेक्यूराइजेशन एंड लिबरालाइजेशन ऑफ सोसाइटी ये भी कहा जाता है क्योंकि मैंने आपको ऑसिफिकेशन ऑफ डोमिनंट रिलीजन होती है डोमिनंट रिलीजन काफी रिजिड हो गया होता है अब सोसाइटी किस तरफ जाना चाहती है सेक्यूराइजेशन दैट मीन आपका जो कंट्रोल है इसका रिलीजन का बाकी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस पे वो कम हो जाए या सोसाइटी थोड़ी लिबरल हो जाए उस वजह से भी इनकी इमरजेंस होती है आदे आर्ग्यू दैट पीपल हु फाइंड ट्रेडिशनल रिलीजन एज रिचुअलिस्टिक रिलीजन एंड ऑर्थोडॉक्स लुक फॉर स्पिरिचुअल सोलिस स्मॉलर लेस इन पर्सनल रिलीजियस मूवमेंट जैसे आपके कल्ट्स वगैरह उसमें वही बातें की गई जैसे आपको मास को अपील किया जाए ठीक है ब्रायन विल्सन ने कहा था दे आर द रिजल्ट ऑफ रैपिड सोशल चेंज क्योंकि ट्रेडिशनल नॉर्म होते हैं तो लोगों को एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ और चीज चाहिए होती है सम सब दैट जो ये है नेशनल रिलीजियस मूवमेंट से दे अपील टू दो पीपल जो एलिनेट फील करते हैं मार्जनाइज फ्रॉम द मेन सोसाइटी तो आपकी जो लोअर ट्रोडन सोसाइटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी होती है एंड्रिड डॉसन ने कहा था जो न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स होती हैं लाइक सेक्ट्स आर

कल्ट इसकी क्या हमें जरूरत थी एंड कल्ट आने की तो अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं पांच पॉइंट्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कल्ट जो है स्मॉल ग्रुप ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज है जिसके बिलीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम द डोमिनेंट रिलीजन एंड आर यूजअली इंडिविजुअलिस्टिक फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ठीक है तो कल्ट मैंने आपको बोला इसके बिलीव डिफरेंट होते हैं डोमिनेंट रिलिजन से ये इंडिविजुअल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से इसी वजह से माउस को अपील भी करते थे क्योंकि लोगों के अपने सेल्फ रियलाइज सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ फोकस पर ज्यादा उनका ध्यान होता था एम्फरसाइज करते थे ये चैलेंज नहीं करता है मेन स्ट्रीम रिलीजन को डायरेक्टली अनलाइक योर सेक्ट ठीक है ये बेस होते हैं किस पे कैरिमेटिक लीडरशिप पे इट हैज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मेंबरशिप में लूजली ऑर्गेइज होता है और लिटिल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं मेंबर्स के कुछ थिंकर्स सीदियर ऑरिजन इन टर्म्स ऑफ सोशल इवेंट्स डिसकंटेंटमेंट एंड चेंज इन सोसाइटी इन सब चीजों की वजह से भी लोग कल्ट की तरफ जाते हैं क्योंकि एक तो आपका रिलीजन रिजिड हो गया uh, जो ट्रेडिशन जो करंट रिलीजन है वो इन वन फॉर्म और द अदर फॉर्म सपोर्ट भी कर रहा है सोशल इवेंट्स को सोसाइटी के उनको बेसिकली एक स्केप चाहिए होता है करंट कंट्रोल से जो उनको रिलीजन कंट्रोल कर रहा होता है वो काफी रिजिड हो गया होता है इस वजह से वो नई चीजें जो है वो लुकआउट करते हैं और इसीलिए आपके कल्ट एंड सेक्ट्स वगैरह इमर्ज हुए थे ठीक वो ऑल्टरनेटिव देते हैं लोगों को एंड हेंड्स आर मोर रेडिली एक्सेप्टेड बाय द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लेकिन हमेशा मार्जिनलाइज नहीं जो रिच क्लास है वो भी जो है कल्ट oh, फॉलो करते हैं कोई उनकी भी कल्ट फॉलोइंग काफी ज्यादा होती है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है ओपन टू ऑल हु विश टू ज्वाइन एंड पार्टिसिपेट इन इट ठीक है बट वी आर सीक्रेटिव इट क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं इसमें तो ये हाईली एक्सक्लूसिव है काफी एक लार्ज uh, ग्रुप को एक्सक्लूड भी करता है अ कल्ट एम्फरसाइज ऑन अ कल्ट इज वन डॉक्टर अबो ऑल अदर्स और इट फोकस अपॉन अ गॉड और गॉडेस विद सर्टेन डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है ये ज्यादा बातें नहीं करता ये एक डॉक्ट्रिन पे फॉलो करता है एक डॉक्ट्रिन को फॉलो करेगा अबो ऑल अदर्स एक को इम्पोर्टेंस देगा फाइन और ये फोकस करता है किसी एक गॉड पे जिसके कोई डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो आपके लिए ईजी हो जाता है ग्रैस्प करना जहां रिलीजन इतनी डिफरेंट डिफरेंट बातें कहेगा बातें करेगा उसके कम्पेरिजन में आपके पास एक कल्ट है जो एक गॉड uh, पे फोकस करेगा उसके आपको आपको डेफिनेट भी बताएगा तो you, तो इट्स uh, नेचुरली कि ये चीज़ ज़्यादा अपील करेगी दे ऑल्सो सीम टू फ्लरिश मेट्रो सिटीज में मेट्रो सेंटर्स में मेट्रोपोलिटन सेंटर्स वेयर कल्चरली हेटिरोजिनियस पॉपुलेशन जो है आर थ्रोन टुगेदर एंड दे वाइडली फील द इंपैक्ट ऑफ मोस्ट रैपिड एंड इम्पिंजिंग सोशल चेंज ठीक है तो हेटिरोजिनस पॉपुल

कल्ट जो है है, वो माना जाता बट हिंदुइज्म और वैश्वोविज्म टू बी प्रोसाइज़ वेल प्रोसाइड रिलीजन इन इंडिया ऑलव्रिज ने कहा था जो कल्ट इन प्रेजेंट इन मॉडर्न सोसाइटी बिकॉज जो रिलीजन है गारंटी सैलवेशन इन आफ्टर लाइफ जो कल्ट है वो आपको रिलीफ इस लाइफ में देता है रिलीजन जो है वो एड्रेस करता है स्पिरिचुअल नीड्स को कल्ट जो है प्रोवाइड सोल्यूशन टू मेटेन प्रॉब्लम जो आपकी डेली प्रॉब्लम्स होती है उनके सोल्यूशन आपको देता है जिसकी आपको ज़्यादा जरूरत होती है रिलीजन यूजअली पॉइंट्स आउट दी इम्पॉसिबिलिटी और एक्सट्रीम डिफिकल्टी ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद गॉड लेकिन कल्ट में बिलीवर्स एंड डिवोटीज आर फेस टू फेस विद ईच अदर ठीक है क्योंकि जिसमें आप जिसको आप फॉलो कर रहे हो ठीक है वो आपके सामने है लेकिन रिलीजन में ऐसा नहीं होता है आपको अननोन नोन रिलाई करना पड़ता है पीटर पीटरबर्जर क्लासीफाइड कल्टू थ्री टाइप्स रिवाइवलिस्ट एडवेंटिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट ओर जो रिवाइवलिस्ट कल्ट्स होते हैं दे ग्लोरीफाई द फॉरगॉटन पास्ट ठीक है पुरानी चीज को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं जो एडवेंटिस्ट होते हैं न्यू मीनस टू जॉय और ओरिएंटलिस्ट होते हैं फॉलो द आइडियाज ऑफ ओरिएंटल रिलीजन ओरिएंटल रिलीजन जो आपके ईस्टर्न uh, साइड से ईस्टर्न सिविलाइजेशन से रिलेटेड होते हैं जैसे आपका एशिया आ गया या अफ्रीका आ गया ठीक है या आपका मिडिल ईस्ट आ गया तो ये था अभी तक कल्ट का अब हम सेक्ट्स का देखते हैं सेक्स जो है देआर मोर ऑर्गेइज फॉर्म ऑफ रिलिजन देन कल्ट मैंने कहा था क्योंकि मेंबरशिप बढ़ जाती है या करिज्मिक लीडर जो है उसकी डेथ हो जाती है तो जो सेक्ट है खुद को ऑर्गेनाइज करता है एक अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाता है दे अर्ज फॉर चेंज एंड री इंटरप्रटेशन आर एट द अर्ज फॉर चेंज एंड री इंटरप्रिटेशन आर एट द हार्ट ऑफ द सेट एंड दे आर डिफाइंड एज दो न्यू रिलीजस मूवमेंट जो ब्रेक अवे करते हैं फ्राम द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द डोमिनट रिलीजन वो खुद को डिसोसिएट करते हैं और ओपनली कॉल आउट करते हैं ठीक है और चेंज करना चाहते हैं बेसिकली रिलीजन की कुछ चीजों को जो सेक्ट है ये इंटॉलरेंट होता है अदर है, dominant religion जो है, irrational illogical है, अपने सेक्ट टेन टू अराइज ऑफ सोशल चेंज जैसे ब्रायन विल्सन ने एग्जाम्पल दी थी उन्हें कहा था जो मैथडिज्म का राइज है उसको आप बोल सकते हो एज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्ट मैथडिज बेसिकली क्या था ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के अंडर हुआ था एक मूवमेंट चली थी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के अंडर ठीक है ये बेसिकली जो उस टाइम का जो इस्टेब्लिशमेंट थी चर्च की उसके एंटी चला था ठीक है तो इसको भी आप राइज ऑफ सेक्ट बोल सकते हो या इंडिया में इंडियन के रिलीजन में एंड मट वगैरह के हमने नाम सुने होंगे वो भी एग्जाम्पल हैं सेक्ट्स के वेबर ने कहा था सेक्स आर मोस्ट लाइकली टू ऑरिजिनेट विद इन दो ग्रुप्स जो मार्जिनलाइज होते हैं इन सोसाइटी एंड ही टर्मस इज फोनोमिनाज थियोडसी ठीक है रिलीजियस जस्टिफिकेशन ऑफ डिसेज एस सेक्स प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन और दाथ ऑफ रिडम्पन ये किसका कहना था वेबर का इंपॉर्टेंट चीज है देखो जैसे थिंकर्स हमने पढ़ लिया वेबर ठीक है अब अगर हम रिलीजन भी पढ़ रहे हैं वहां पे वेबर का नाम आएगा तो ये सारी चीजें आपको नोट no डाउन करनी है क्योंकि वेबर काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है तो जिस भी कॉन्टेक्स में चाहे वो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स में हो रिलीजन के कॉन्टेक्स में उन्होंने बातें बोली है अपार्ट फ्रॉम हिज जो बेसिक इंटरप्रिटेविस्ट आइडियोलॉजी है उसके वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अब यहाँ थोड़ा डिफरेंस इनका देख लेते हैं सेक्ट एंड कल्ट का सेक्ट जो होते हैं द मेंबरशिप ग्रोज या जो कल्ट लीडर है डाइज ये जनरली स्टार्ट होते हैं अराउंड अ करिज्मिक पर्सनैलिटी जैसे बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ था बाय बुद्धा इट वॉज अ कल्ट एट दैट टाइम जब बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ था क्योंकि एक करिज्मेटिक लीडर के अराउंड जो स्टार्ट हुआ था बाद में फिर स्टेबलिश्ड ये फॉर्म में आ गया ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ गया था इट इज मार्क्ड बाय डिजायर टू डिसोसिएट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर ये चैलेंज नहीं करता है डोमिनेंट रिलीजन को ये मोर डेफिनेट एंड फॉर्मल होता है ये वॉलेटाइल होता है कल्ट सेक्ट जो होते हैं दे आर लार्जली क्लोज टू हु हैव नॉट अंडरगॉन अ प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन फॉर एक्जाम्पल ड्रिंकिंग ऑफ होली वॉटर वियरिंग ऑफ एम्बुलेट एंड सो ऑन एज अशन राइट्स एव परफॉर्म्ड सो दे हैवे अ स्ट्रॉन्ग कलेम टू बी द लॉयल्टी ऑफ इट्स मेम्बर्स ठीक है तो इसमें आपको क्या करना होता है ये सारी चीजें करनी होती है अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए ये रिलेटिवली ओपन होते हैं इनकी कोई प्री कंडीशन नहीं होती है जैसे ये सारी प्री कंडीशन सेक्ट्स में देखी ये रिलेटिवली क्लोज ग्रुप है और उसकी जो में, उसका कुछ मेंबरशिप क्राइटेरिया होता है इसकी स्ट्रिक्ट मेंबरशिप नहीं होती है ओपन होता है कोई भी ज्वाइन कर सकता है कैलविनिस्ट या मेथडिस्ट जो है वो एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्चन सेक्ट्स है ओशो कल ये ट्रांसडेंटल मेडिटेशन जो महेश योगी से रिलेटेड है ये हमने कल पढ़ा था वो एग्जाम्पल्स हैं किसके कल्ट मूवमेंट के

हॉवर्ड बाई करने ठीक है सेक्ट विच हैज कूल डाउन एंड बिकम एन इंस्टीट्यूशनाइज बॉडी राधर राधर इन किसको कहा था सेक्ट को यह रिलीजस सेक्ट है विच हैजॉट इज रिवाइविज्म और बिकम एंडिकम एन इंस्टीट्यूशनलाइज बॉडी डिनोमिनेशन इज मच क्लोजर टू चर्च और इंस्टीट्यूशनाइज रिलीजन फॉर दैट मैटर दैट सेक्ट एवर वॉज ठीक है क्योंकि सेक्ट बेसिकली आउट करता है अपने से. तो की वैसी नहीं होती है जैसे किसकी होती है डिनोमिनेशन की होती है चर्च ऑल्सो हैज मोर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ डिनोमिनेशन देन दैट ऑफ सेक्ट कैलवेजम एंड स्टार्टेड एज सेक्ट्स लेकिन बाद में इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन ये ट्रांसफॉर्म uh, हो गए थे तो कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स देखते हैं जो मेंबरशिप डिनोमिनेशन है ये सारे लेवल जो सोसाइटी से होती है अनलाइक सेक्ट विच हैज मेंबरशिप प्रिडामेंटली फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेटम विच इज जनरली लोअर स्टेटा ठीक है ये किसी एक लोअर स्टेटा को ही ज्यादा अपील करता है और इसकी मेंबरशिप क्योंकि क्लोज होती है उतना ही आसान नहीं होता है सेक्ट का मेंबर बनना इसीलिए बोला जाता है इसमें जो जो ये है इसके सोशल पार्टिसिपेशन वो एक पर्टिकुलर ग्रुप की होती है द बाइंडिंग कॉर्ड ऑफ फेलोशिप ऑफ लव रिलीजियस सर्विस जो है ये डिस्टिंग्विशिंग ट्रेट है ऑफ कल्ट का बिकम्स वीक ऑलमोस्ट नॉन एक्सिस्टेंस इन द डिनोमिनेशन ये सारी चीजें डिनोमिनेशन में नहीं होती है डिनोमिनेशन जनरली एक्सेप्शन नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ लार्जस्ट सोसाइटी क्योंकि कहां की तरफ जा रहा है खुद को मेन स्ट्रीम करने की तरफ तो थोड़ा बहुत इसको वो डिप्लोमेसी और वो सारी चीजें मैनोपुलेटिव वो चीजें इसमें आ जाती हैं लेकिन कल्ट जो होता है वो बेसिकली किस पे बना होता है आपकी रिलीजियस सर्विस पे और फेलोशिप ऑफ लव पे इन सारे प्रिंसिपल्स पे आपका कल्ट सेंटर अराउंड होता है ना क्योंकि लीडर को आप किन बातों पर फॉलो करोगे जो मेन स्ट्रीम की बातें अगर करिज्मेटिक लीडर करेगा तो आप उसको फॉलो ही क्यों करोगे मेन स्ट्रीम तो ऑलरेडी कुछ चल रहा है ना तो कल्ट बनने के लिए एक कहते हैं ना ऐसे न्यू नॉर्मल टर्म्स में भी कहा जाता है जेनरिक टर्म्स में कि उसकी कल्ट फॉलोइंग है उस लीडर की ठीक है वो उसकी कितनी

ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट होता है तो वही सारी चीजें इसमें आती हैं जो आपकी ब्यूरोक्रेसी में है अब ये देख लेते हैं हम रॉय वॉल्स ऑन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ये एक बनाया था उन्होंने टेबल आप याद रख लो चर्च चर्च जो है रेस्पेक्टेबल भी है लेजिटिमेट भी है सेक्ट जो है वो लेजिटिमेट है ऑल लेकिन डिवियंट है क्योंकि जो मेन स्ट्रीम से उससे वो uh, अलग हो रहा है उसको कॉल आउट कर रहा है और वो चीजें खुद को खुद को उन चीजों से डिसोसिएट करता है डिनोमिनेशन रिस्पेक्टेबल है मैंने कहा चर्च को उसके एक्सेप्टेंस है और लेजिटिमेट भी है कल्ट जो है लेजिटिमेट है ठीक है कल्ट बनते हैं फाइन लेकिन वो भी एक डिवेंट माना जाता है क्योंकि वो मेन स्ट्रीम से हटके है तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है रॉयल्स वॉल्स कहाँ पे लिखा हुआ है रॉय वॉल्स ये सारी चीजें यहाँ पे ना यही एक्सप्लेन की है चर्च और इंस्टीट्यूशन रिलीजन जो है, cult, ये कैसे है? मैंने आपको बताया ये रेफर करता है टू अ लार्ज फॉर्मर ऑर्गे हायर आयरिटी होती है मेंबर दे एंड राधा दे आर बोर्ड इन टू इट ठीक है आपको किसी उसमें किसी का मेंबर नहीं बनना होता है आपकी वो आप उस वाले लास्ट स्टेज में आ गए हो तो आप सारे जो है उसके फॉलोअर्स काउंट होते हो क्योंकि आप उस जगह पैदा हुए हो या उन कंडीशन में उन रिलीजन में आप पैदा हुए हो ए चर्च जो है जनरली एक्सेप्ट नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी और फ्रीक्वेंटली रिगार्ड इट सेफ एज गार्डियन ऑफ द स्टेबलिश सोशल ऑर्डर तो स्टेटस को प्रमोट करता है फाइन ये हो गया ये सारी चीज़ें इंडिया में नॉट मच अकेडमिक फोकस इज देयर ऑन द स्टडी ऑफ सेक्स कार्ल्स एंड द नॉमिनेशन टू ए एम शाह अपनी प्रेजिडेंशियल एड्रेस इन द ट्वेंटी ऑल इंडिया सोशल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नाइनटीन नाइनटी थ्री एट मैंगलोर कहा था रिसेंट सोशलॉजिकल रिसर्च ऑन रिलीजन इन इंडिया हैज कॉन्सेंट्रेटेड आइडियाज एंड सिम्बल्स इन रिलीजन रादर देन ऑन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन तो यहाँ पे आइडिया सिम्बल्स इन रिलीजन उस पर ज्यादा फोकस होता है ठीक है तो इंडिया में जो रिलीजन है वो हम पार्ट बी में हमें इन डिटेल पढ़नी है वो सारी चीजें यहाँ पे आप हो गया सेक्ट ये वाला टॉपिक खत्म हो गया थोड़ा देखते हैं क्या लिखा है इन इंडिया ऑफन अंडर द रूब्रिक स्टडी ऑफ लार्जर रिलीजन ठीक है उनको ज्यादा अलग आइडेंटिटी ऐसे देखने को नहीं मिलती है वो एक लार्जर फ्रेमवर्क में ही आता है इनसे हिंदुइज्म के अंडर आ गया या सिखिज्म के अंडर आ गया despite the increasing membership of sects in india on account of drawing of members from non sectarian religion also into sectarian fold very few studies have been commissioned maine kaha jaise maine ni am shane kaha ki ispe zyada studies nahi hui hain theek hai ye wohi sari cheeze hain that in india sect and cultic figures are involved in new programs of actions like building of schools hospitals and other hand मतलब उनका क्या हो रहा है character थोड़ा secular बन रहा है वो अब schools hospitals पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. fine अब religion of modern society religion and science रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी रिलीजन एंड साइंस अब क्वेश्चन एंड कन्फ्यूजन हैव ऑलवेज सराउंडेड मैन एंड शॉर्ट आंसर टू दीज इन आइदर रिलीजन में या साइंस में तो बोथ एक्टेड एज अ स्टोर हाउस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नॉलेज ऐसा नहीं है रिलीजन और साइंस दोनों चीज़ें साथ साथ कहीं ना कहीं चलती है अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो साइंस आंसर नहीं कर पाता है जब आपको कोई पीस चाहिए होता है ट्रांकुलिटी चाहिए होता है तब आप किसी कोई साइंटिफिक डिस्कवरी या साइंटिस्ट के बारे में नहीं पढ़ते हो उस टाइम बेसिकली यूजली आप क्या करते हो थोड़े रिलीजियस चीजों की तरफ जाते हो प्रेयर्स पे ज्यादा फोकस

टी करके याद रखना थियोलॉजिकल गॉड सेंटर्स गॉड सेंटर्ड आ गई फिर मेटाफिजिकल आ गई एब्स्ट्रैक्ट स्टेज एंड लास्ट इज साइंटिफिक स्टेज है पॉजिटिविस्टिक स्टेज अकॉर्डिंग टू हिम रिलीजन जो है वो डोमिनेट करते हैं ट्रेडिशन सोसाइट को एंड साइंस डोमिनेट कर मॉडर्नोसाइटीज को ठीक है मेलनास्की ने अपनी बुक मैजिक साइंस एंड मैंने अभी आपको हमने टाइलर पढ़ा था तो मैंने कहा मेलनोस्की ने भी इस चीज की बात की है ऑन हिस एक्सपीरियंस ऑफ टॉर ब्रैंड आईलैंड ऑल्सो डिस्टिंगविज बिटवीन सीक्रेड एंड प्रोफेन अकॉर्डिंग टू हिम साइंस अपार्टार्ट फ्रॉम आर्ट क्राफ्ट इकनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ टॉर ब्रांड आईलैंड वो साइटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेन साइंस को उन्होंने प्रोफेन कहा था इन टर्म टर्मोनोलॉजी ऑफ दुर्खे अब साइंस और रिलीजन का थोड़ा देख लेते हैं साइंस को इंक्ुजिटिव एंड डिलिब्रेटिव बोला जाता है रिलीजन इमेजिनेटिव एंड स्पेकुलेटिव है क्लियर ये चीज साइंस जो है ड्राइव्स मैन टू शेप इज ओन डेस्टिनी और रिलीजन जो है पुशेस मैन टुवर्ड्स फेटलिज्म ठीक रिलीजन बिलिवज इन प्रसेशन एंड मेजरमेंट साइंस बिलीव इन प्रसेशन एंड मेजरमेंट दैट इज एक्यूरेसी पे बिलीव करता है लेकिन रिलीजन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है साइंस जो है ये अननोन को नोन लेवल पे लाता है और रिलीजन बेसिकली uh, जो सारा सेंटर्ड अराउंड गॉड होता है वही आपके लिए अननोन है जो बियॉन्ड द रीच ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है साइंस जो है वो लिबरेटिंग है और एनलाइटनिंग है और रिलीजन जो है बाइंड करता है प्रमोट करता है स्टेटस को ऑफ एंड ट्रेडिशन को वो उन चीजों को प्रमोट करता है और ये लिबरेट करता है और आपको उन चीजों से दूर करने की कोशिश करता है साइंस रैशनल और लॉजिक पे बेस्ड है और रिलीजन जो है इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन सेक्रेड एंड या बोल सकते हो बिलीफ इन सुपर या अननोन साइंस जो प्रमोट करते हैं इंडिविजुअल इनोवेशन को रिलिजन ज्यादा कलेक्टिवली ऑरिएटेड होता है कलेक्टिव गुड के लिए बात करते हैं साइंटिफिक नॉलेज एंड मेथड आर वैलिड यूनिवर्सली वो अप्लाई होते हैं यूनिवर्सल जनरल प्रिंसिपल्स ठीक है न्यूटेंस थर्ड लॉ ऑफ मोशन हर कंट्री में किसी भी कंट्री में आप जाओ वही रहेगा और जो रिलीजियस प्रिंपल्स होते हैं आर एक्सेप्ट विदिन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ओनली विच बिलीव इन दो प्रिंसिपल्स जो मुस्लिम बिलीव करते हैं जरूरी नहीं क्रिस्चियंस भी वही बिलीव करें और जरूरी नहीं हिंदूज भी वही बिलीव करें तो ये क्या होता है अलग अलग रिलीजन के अलग अलग रिलीजियस प्रिंसिपल्स होते हैं ठीक दुर्खेम का आप रिकॉल करने की कोशिश कर दुर्खेम ने रिलीजन की बात क्या की थी कलेक्टिव एफअर्वेन्स वाली बात हुई थी सॉलिडारिटी वाली बात हुई थी फाइन दुर्खेम व्यूज रिलीजन बोथ रिलीजन एंड साइंस एज प्रोवाइडिंग सोसाइटी विद कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन एंड ही डज नॉट सी एनी कॉन्फ्लिक्ट इन द टू कुछ सिमिलैरिटीज देखते हैं दोनों आंसर करते हैं सर्टन क्वेश्चंस को साइंस भी अननोन को आंसर करते हैं रिलीजन भी बोथ के मैनिफेस्ट लेटेंट एंड डिस्फंशन आपको मिलेंगे एंड बोथ आर द रिजल्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल एज वेल एज इमोशनल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ठीक वेबर ने कहा था एज रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक थाट्स इंक्रीज सेक्युलरिज्म इंक्रीजेज एंड स्पेस ऑफ रिलीजन विल डिक्रीज ठीक है रैशनैलिटी और साइंटिफिक से सेक्युलरिज्म इंक्रीज हो जाएगा सेक्युलरिज्म बेसिकली एक फिलोसफी है जो कहता है इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन कम हो जाता है आपके बाकी इंस्टीट्यूशन पे जैसे आप रिलीजियस सोसाइटी में देखो एजुकेशन भी रिलीजियस से इन्फ्लुएंस्ड होगी ठीक है और आपका जो पॉलिटिक्स है वो भी रिलीजन अराउंड बना हुआ होगा इकोनॉमी जो है वो भी रिलीजन की बातें करेगा तो सारे इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं किसके अराउंड घूम रहे हैं आपके रिलीजन के अराउंड फैमिली का जो सेटअप है वो भी रिलीजन की प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बना हुआ है या आपकी रिलीजियस सोसाइटी जैसे आप सेक्युलर होना शुरू हो जाते हो रिलीजन का इन्फ्लुएंस इन in बाकी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन पे कम होना शुरू हो जाता है वही बेसिकली आपका सेक्युलरिज्म उसी को बोलते हैं स्टीव ब्रूस ने कहा था साइंस एंड रिलीजन कैन गो हैंड इन हैंड एंड दे आर नॉट एंटी टू ईच अदर तो स्टीव ब्रूस की स्टेटमेंट याद रख लेना इंपॉर्टेंट है आंसर एग्जाम में काम आ सकती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं जो हैव लेट अ ग्रेटर कंट्रोल ऑफ पीपल ओवर नेचुरल वर्ल्ड और जो पीपल होते लोग हैं दे नो लॉन्गर रन टू रिलीजियस एक्सप्लेनेशन इन मेनी इंस्टेंस हाउवर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रैशनलिटी हैव देयर लिमिट्स लोगों को अभी भी प्रेयर्स की जरूरत पड़ती है वन ह्यूमन इंजीनियर्स फेल्स इवन डॉक्टर भी क्या कहते हैं कि मेरे से हो गया आप तो ऊपर वाला ही बचा सकेगा मैंने अपना एफर्ट लगाया ऊपर वाला ही बचा सकेगा दैट मीन डॉक्टर्स को भी पता है कि हम बस एफर्ट लगा सकते हैं लेकिन जो बोला जाता है वो तो सीरियसली तो ना लेसा पॉसिबल नहीं है साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड क्योंकि अभी भी कोई चीजें हैं विच रिमेन्स आउटसाइड द रियल ऑफ ह्यूमन नॉलेज और वो आप कहीं पर रिलाई करते हो उन चीजों के लिए रिलीजन पर अब मॉडर्न सोसाइटी का रिलीजन सेक्युलराइजेशन एंड सेक्युलरिज्म सेक्युलराइजेशन एक प्रोसेस है सेक्युलर होने का फाइन और सेक्युलरिज्म उस फिलॉसफी को बोला जाता है जहां भी आप इज्म देखोगे लास्ट में से मार्क्सिज्म हो गया आपका ठीक है तो उसको क्या बोला जाता है इन चीजों को जहाँ पे इज्म लास्ट में होता है वो आपका कोई फिलासफी होती है तो सेक्युलरिज्म इस सारी फिलोसफी का नाम है और सेक्युलराइजेशन आपके सेक्युलर होने का एक प्रोसेस को बोला जाता है ठीक तो सोशल थिंकर्स लाइक कॉम्ते दुर्खे मैक्स मार्क्स वेबर वेबर्सर एक्सेट्रा देवर ऑफ द व्यू की ट्रेडिशनल रिलीजन है वुड बिकम मोर एंड मोर मार्जिनल मॉडर्न वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू देम अ प्रोसेस ऑफ सेक्यूलराइजेशन जो इज बाउंड टू अकर क्योंकि साइंस मोर इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन द लाइव ऑफ पीपल टू कंट्रोल एंड एक्सप्लेन द सोशल वर्ल्ड अब आप सोसाइटी की हर चीज को रिलीजन के थ्रू एक्सप्लेन नहीं करोगे आप साइंटिफिक रैशनल तरीके से चीजों को जो है वो एक्सप्लेन करोगे इससे मैंने कहा रिलीजन का होल्ड बाकी इंस्टीट्यूशन पे कम हो जाएगा कुछ चीजें देखते हैं पार्ट द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई एक डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म और द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन भी हमारे पास यूनिवर्सल नहीं है अब कुछ ट्रांड्स देखते हैं सेक्युलराइजेशन को लेके पार्टिसिपेशन इन द इंस्टीट्यूशनल रिलीजन एक्सटेंट ऑफ रिलीजन कैसे पता चलता है हमारी लाइफ में रिलीजन कहां तक है कितनी इंपॉर्टेंस है वो रिफ्लेक्ट करेगा कितनी अटेंडेंस है चर्चेस की चर्च मैंने कहा एक जनरिक टर्म हम यूज करते हैं आप इसको टेम्पल या मॉस्क भी समझ सकते हो वो किसमें रिफ्लेक्ट करता है कि रिलीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है लाइफ में कि कितनी अटेंडेंस है चर्च में कितना आप चर्च अटेंड करते हो एंड द रोल ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस इवेंट्स जैसे आपके मैरिज हो गया फ्यूनरल राइट्स हो गया या आपके कुछ सेलिब्रेशन uh, होते हैं वहां पे आप रिलीजन क्या आपके लिए वैल्यू होल्ड करता है ये चीजें आपको बताता है एक्सटेंट ऑफ रिलीजन कितना है आपकी लाइफ में पहले अटेंडेंस सेकेंड इज योर रोल ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस इन परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस इवेंट्स ठीक है सम आर्ग्यूडेड फॉल इन चर्च अटेंडेंस जो है वो सिम्बल ऑफ सेक्युलराइजेशन है सोसाइटी का तो बेसिकली हमें यहाँ पढ़ना क्या था सेक्युलराइजेशन के, के लिए हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हम बोलेंगे सोसाइटी सेक्युलर हो रही है अब कैसे हो रही है अगर आपकी जो अटेंडेंस है वो कम हो या रोल ऑफ जो रिलीजन है बाकी सारी सेरेमनीस पे इवेंट्स इंस्टीट्यूशन पे आपका कम होना शुरू हो जाए वो आपको बताता है कि सोसाइटी सेक्युलराइज हो रही है डिसंगेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन रिलीजन फ्रॉम एवरीडे लाइफ ठीक है वही चीज जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई डिसमेंट ऑफ द रिलीज इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ ये भी प्रूफ ऑफ सेक्युलराइजेशन है आगे देखते हैं सोशलाइजेशन ये बेसिकली स्टीव ब्रूस ने अपने वर्क uh, सेक्युलराइजेशन में कहा था जैसे कि लार्ज ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन अराइव हो रहे हैं तो जो क्लोज निटेड कम्युनिटीज है वो अपना पावर क्लोज निटेड कम्युनिटीज का पावर कम होता जाता है ज और आप किसकी तरफ जाते हो सोशलाइजेशन दट मीन आप एक बड़ी सोसाइटी के मेंबर बन रहे हो क्लोज निट कम्युनिटीज का पावर कम हो रहा है और जो रिलीजन की इंपॉर्टेंस है वो क्लोज निट कम्युनिटीज में ज्यादा होती है तो सोशलाइजेशन में क्या होगा रिलीजन की इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी एंड अल्टीमेटली आप ज्यादा सेक्यूलर हो जाओगे इंक्रीज रिलीज इंक्रीजिंग रिलीज प्लुरलिज्म सिंबल ऑफ सेक्युलराइजेशन ये देखिए रिलीजियस प्लुरलिज्म जितना रिलीजियस प्लुरलिज्म बढ़ेगा वो किसको आ, ये करेगा उससे क्या चीज एविडेंट हो जाती है उतनी सोसाइटी सेक्युलर होगी क्योंकि आप एक्सेप्ट करते हो बाकी व्यू पॉइंट्स भी आप एकोमोडेटिव हो जाते हो ठीक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन देस क्योंकि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो भी खुद को सेक्युलर बनाना शुरू कर देते हैं अब जो उनके जो पुराने बिलीफ हैं, जो ओल्डर वैल्यूज है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन लाएंगे वो थोड़ा चेंज करेंगे जो लोगों के लिए अब रेलिवेंट हो ठीक है और लोग उस चीज से अपील हो जाए ग्रोइंग इंडिविजुअलिज्म जब आप इंडिविजुअल सेंट्रिक बन जाओगे अपने चीजों पे ज्यादा फोकस करोगे तो रिलीजन की ओवरऑल इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी और किसकी ज्यादा हो जाएगी सेक्युलराइजेशन की डी सेक्राइजेशन ये आग्यू किया जाता है कि जो सेक्रेड हैज़ नो प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी क्योंकि सुपर जो है अब किसी को माना नहीं जाता कि वर्ल्ड दुनिया को कोई सुपर कंट्रोल कर रहा है ठीक है जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको कौन गाइड करता है कोई रैशनल आइडियोलॉजीज होनी चाहिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एज एविडेंट इन द वर्किंग ऑफ ट्रेड यूनियन जुडिश्री वगैरह

marxist uh, view it as a process of decline of the religious it's religion itself Kya secularization jo hai, it, uh, views they view secularization as a process of decline of the religion the separation of religious and political authority marked a major turning point in the social history of the west द सेपरेशन वॉज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन अब देखो अगर आपको ऑफन क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वेस्ट का सेकुलराइजेशन और इंडिया का सेक्युलराइजेशन कैसे डिफरेंट है तो वेस्ट में बेसिकली सेक्युलराइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ था क्योंकि चर्च का इन्फ्लुएंस जो था लाइफ में इतना ज्यादा था पॉलिटिक्स में हर इंस्टीट्यूशन पे चर्च का इन्फ्लुएंस था तो फाइनली क्या हुआ था जो चर्च था या आपकी रिलीजियस अथॉरिटी थी वो उसको बिल्कुल डिफरेंट उसको सेपरेट किया गया स्टेट से ये उनके सेक्युलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि रिलीजन और स्टेट जो है वो बिल्कुल अलग है ठीक है और लेकिन इंडिया में का क्या कॉन्सेप्ट है कि स्टेट जो है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ऑल रिलीजन स्टेट इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ऑल रिलीजन ठीक है अगर रिलीजन में कोई ऐसी चीज हो रही है जो आपकी सोसाइटी आपके, आपके इसके लिए स्टेट के लिए ठीक नहीं है तो जो इंडिया के इंडिया का सेक्युलराइजेशन है वो कहते हैं गवर्नमेंट वहां पे इंटरफेयर करेगी रिलीजन में ठीक है अदरवाइज ये इक्वी डिस्टेंट है मतलब ऐसा नहीं है किसी एक रिलीजन को प्रमोट करेगी या किसी एक रिलीजन को डिमोट करेगी ठीक है ये इक्वी डिस्टेंस स्टे करेगी लेकिन जहां पे रिलीजन इंटरफेयर कर रहा है नॉर्मल लाइफ में ठीक है नॉर्मल लाइफ स्टाइल में आपके किसी फंडामेंटल राइट right का को पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वहां पे जो गवर्नमेंट uh, है आपकी पोलिटिकल अथॉरिटी दैट विल कम इन टू प्ले लेकिन वेस्ट में क्या है जो वेस्ट का सेक्युलराइजेशन है वो चर्च को बिल्कुल स्टेट के अफेयर्स से चर्च के अफेयर्स को अलग करता है एक कॉन्सेप्ट है इनविजिबल रिलीजन का ठीक है ऐसा माना जाता है ना सेक्युलराइजेशन के से रिलीजन का जो सिग्निफिकेंस है वो डिक्लाइन हो गया है लेकिन थॉमस लकमान ने क्या लिखा था द इनविजिबल रिलीजन उसमें इन्होंने कहा था रिलीजन अभी भी अलाइव है दो पब्लिक स्फेयर में लोग प्रैक्टिस नहीं करते प्राइवेट एंटिटी बन गई है इट इट हैज बिकम ए मीन्स टू सेल्फ रियलाइजेशन अपने लिए इंसान के लिए रिलीजन अभी भी एग्जिस्ट करता है उसको इन्होंने कहा था इनविजिबल रिलीजन की रिलीजन अभी भी है लेकिन एक प्राइवेट अफेयर बन गया है पब्लिक स्फेयर में लोग वो रिलीजन ऐसे डिपेक्ट नहीं करते हैं सेक्युलराइजेशन रिलीजन कंपनी बैन इंक्रीज़ इन अटेंशन टू पब्लिक इशूज ठीक है जहाँ सेक्युलराइजेशन और रिलीजन की हो गई तो पब्लिक इशूज पे ज्यादा जो है लोग ध्यान देने लगे हॉस्पिटल्स वगैरह कितने बनाने हैं क्या वो सारी चीजें होने लगी एंड इन जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने भी खुद को सेक्यूलर बनाना शुरू किया कैसे वो स्कूल्स खोलना शुरू करते हैं हॉस्पिटल वगैरह में एंगेज हो जाते हैं अदर फिलोपिक एक्टिविटीज में डोनेशन वगैरह में उन चीज़ों में भी वो एंगेज रहते हैं तो रिलीजन भी खुद को क्या कर रहा है लॉजिकल और रैशनल बना रहा है ताकि वो आज के जो सोसाइटी है उसके साथ चल सके मॉडर्न सोसाइटी के साथ सोसाय डेवलपमेंट ऑफ आइडियोलॉजी या फिलोसफी वाज पार्टली इन आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ जो सेक्युलराइजेशन यूरोप में हुई थी आप सेक्युलरिज्म को बोल सकते हो एक आइडियोलॉजिकल गोल था न्यू पोलिटिकल फिलोसफी का एंड द मूवमेंट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ठीक है जहां पे लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी वाली बातें हुई थी तो सेक्युलराइजेशन थीसिस एज ग्लोरिफाइड बाय द क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट इंडिकेटेड द डायकोटोमी बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी ट्रेडिशनल आपका रिलीजन हो गया मॉडर्न आपका सेक्युलराइजेशन हो गया लेकिन इस रिजेक्ट को इस थीसिस को रिजेक्ट किया गया बाय कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट उन्होंने कहा कोई एक हम सर्टर्निटी uh, के साथ नहीं कह सकते सेक्युलराइजेशन कब स्टार्ट हुआ क्योंकि इन्होंने क्या कहा ट्रेडिशनल इज रिलीजन ट्रेडिशनलिज्मीजन मॉडर्निज्म सेक्युलर इन्होंने कहा ऐसा जरूरी नहीं है हम ये सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते जब सोसाइटी मॉडर्निटी की तरफ गई उसी टाइम पे सेक्युलराइजेशन जो है स्टार्ट हुआ देर इज नो वे ऑफ मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इधर द बिलीफ और द सेक्युलराइजेशन आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो मॉडर्न सोसाइटीज में क्या होता है रिवाइवलिज्म भी हो रहा है दैट पुराने आइडियाज पुराने रिलीजन को रिवाइव करो न्यू सेक्ट्स बन रहे हैं थियोलॉजिकल स्टेट्स हैं सिविक रिलीजन या इसको सिविल रिलीजन भी बोला जाता है सिविक रिलीजन बेसिकली आपका होता है रिलीजन ऑफ द सिटीजन जहाँ पे जो सिटीजन है वो अपना एलिजेंस शो करता है टुअर्ड द सोसाइटी या आपके पॉलिटिकल अफेयर्स के साथ या पॉलिटिक्स के साथ ठीक है अब उसकी क्या एग्जाम्पल होगी फॉर एग्जाम्पल कि रिलीजन भी होता है कि रिलीजियस फीलिंग भी इसमें होती है कॉजी रिलीजन भी होती है ठीक है अब सिविक रिलीजन कैसे डिस्प्ले होता है जब कहीं पे फ्लैग अनफर्ल्ड होता है इंडिया का फ्लैग आप अनफर्ल्ड करोगे तो वो एक कलेक्टिव एफरवेन्स वाली जो फीलिंग है वो फीलिंग ऑफ यूनिटी ब्रदरहुड वाली वो तब भी जनरेट होगी जो पहले सिर्फ रिलीजन जनरेट करता था अब आपको वो आइडेंटिटी वो नेशनल आइडेंटिटी भी सेम फीलिंग दे रही है आपके अंदर तो उसको आप सिविक रिलीजन बोलते हो रिलीजन जो एक सिटीजन से रिलेटेड होता है रिलीजन ऑफ सिटीजन ठीक है एंड कम्युनलिज्म फंडामेंटलिज्म ये भी मॉडर्न सोसाइटी uh, में आ रहे हैं तो इन सब चीजों से पता चलता है कि मॉडर्निटी एंड सेक्युलराइजेशन नीड नॉट गो हैंड इन हैंड तो जो इनका बिलीव था कि ट्रेडिशनल सोसाइटी इज य रिलीज सोसाइटी मॉडर्न इज यक्यूलर उसको यहाँ पे इन्होंने क्या किया नेगेट किया कंटेम्प्रेरी सोशलॉजिस्ट ने यह ये सारी हमें एग्जाम्पल्स देके रिवाइवलिज्म ग्रोथ ऑफ न्यूलोजिकल स्टेट सिविक रिलीजन ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म फंडामेंटलिज्म ठीक है और इनविजिबल रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया इसमें क्योंकि अभी भी रिलीजन जो है वो प्राइवेट अफेयर है वो गायब नहीं हुआ है और राइज ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स जो है ऑल्सो पोज द चैलेंज टू सेक्युलराइजेशन थी राइजिंग टेंशन मिडिल ईस्ट में एंड वेस्ट एशिया में ऑल्सो पॉइंट आउट फैक्ट दट रिलीजन इज गिवन नो लेस इंपॉर्टेंस की रिलीजन अभी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट अभी भी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्जिस्ट करते हैं यहाँ पे सिविक रिलीजन का ये आप थोड़ा तो देख लेना यही सारी चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको बोली है रिलीजियस रिलीजियस या कॉजी रिगार्ड फॉर सिविक वैल्यूज एंड फाउंड रिकरेंटली इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल स्टेट्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड है इसको सिटीजन रिलीजन ऑफ सिटीजन भी कहा जाता है फाइन आप इसमें एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है वी कैन टेक एक्पल ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ आर इंडिपेंडेंस डे ऑन फिफ्टीन ऑगस्ट वेन आर प्राइम मिनिस्टर ऑन फर्ज एंड नेशनल फ्लैग एवरी ईयर ऑन द हिस्टोरिकल रेड फोर्ट इन डेली दिस सेलिब्रेशन इज मार्क्ड बाई सेमी रिलीजियस फर्वर इट सर्व टू हाइड इन देंस ऑफ नेोटिकल आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन सिटीजन कलेक्टिव एफर हाई ड्यूरिंग सच इवेंट एंड लाइक रिलीजन दे ऑल्सो बाइंड पीपल टूगेदर ये सारी चीजें भी बाइंड करती है जैसे आपका रिलीजन बाइंड करता था सोसाइटी को तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है दैट मीन्स कहीं ना कहीं सेक्युलराइजेशन आपका हमें मतलब डिक्लाइन uh, नहीं हो रहा है आपका रिलिजन मॉडर्न सोसाइटी में तो ये सारी चीजें हमने आई थिंक यहाँ पे कुछ एक छोड़ दिया था न्यू रिलिजस मूवमेंट्स आपको कहा था बाद में मैं आपको बताऊंगी न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स और न्यू एज मूवमेंट्स ये फॉर्म ऑफ रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी एंड में दे थीज वेरियस फॉर्म्स फॉर सम ऑफ देम वर जो रिलीजियस मूवमेंट्स है इसमें कुछ वर्ल्ड वर्ल्डिंग थी कुछ वर्ल्ड अकोमोडेटिंग थी एंड कुछ वर्ल्ड रिजेक्टिंग थी ठीक है वर्ल्ड अफर्मिंग होगी जो अग्री करते हैं टू द वैल्यूज ऑफ डोमिनेंट रिलीजन जो आपका डोमिनेंट मेन स्ट्रीम ट्रेडिशन है सोसाइटी का उसको एक्सेप्ट किया जाता है कंप्लीटली उसको रिजेक्ट नहीं करते कुछ वैल्यूज को एक्सेप्ट करते हैं कुछ वैल्यूज पे नहीं मानते हैं ठीक है वर्ल्ड अकोमोडेटिंग हो गया मेजरली जो आपका इस्टैब्लिश सिस्टम बना है इस्टेब्लिश डोमिनेंट रिलीजन है उसके एंड ये लोग नहीं जाते हैं आप उसके विदिन ही अपना काम चलाते रहते हैं वर्ल्ड रिजेक्टिंग हो गए सिंपली जो रिजेक्ट करते हैं

महेश योगी ट्रांसजेंडर एज वर्ल्ड एफर्मिंग और न्यू एज वर्ल्ड एकोमोडेटिंग पेंटेकोस्टलिज्म बेसिकली जो क्रिश्चियनिटी के अंदर एक आता है ये क्या बोलते हैं इनका मानना है कि इंसान जो है इसका एक रिश्ता है होली स्पिरिट्स के साथ स्पिरिचुअल हीलिंग ठीक है ये ऐसी सारी बातें करते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग थ्रू लैंग्वेज टांग वगैरह एंड होली स्पिरिट एक लिविंग बीइंग एक स्पिरिचुअल बीइंग की तरफ जाना स्पिरिचुअल हीलिंग खुद को करवाना ये सारी चीजें न्यो पेंटिकॉस्टलिज्म में आती है यानी वर्ल्ड अकोमोडेटिंग है जनरली जो कल्ट्स हैं उनके अंदर फीचर्स होते हैं वर्ल्ड एफर्मिंग के कुछ चीजें मानी कुछ चीजें नहीं मानी कल्ट्स में यही सारी चीजें हुई तो इसीलिए जो कल्ट एंड सेक्ट वगैरह है इनको भी बोला जाता है किसके अंडर आती है आपकी न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स के अंडर ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा तो लंबा हो जाएगा आज का लेक्चर लेकिन ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे आज ही रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी फंडामेंटलिज्म एंड रिलीजियस रिवाइवलिज्म फंडामेंटलिज्म पता है इसकी एक कोर आइडियोलॉजी के अराउंड ये होता है रिलीजन की जो स्टिक करता है आपके स्क्रिप्चर्स पे बहुत ज्यादा रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं मतलब उनके लिए पत्थर की लकीर है बात तो उनको फंडामेंटल बोला जाता है रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट और रिलीजियस रिवाइवलिज्म हो गए जिनको पुराना ऑर्डर जो है रिलीजन का वो रिवाइव करना है वो वापस लेके आना है फंडामेंटलिज्म को अगर आप देखो तो डिस्क्राइब करेगा आइडियोलॉजी ऑफ रिलीजियस और अदर सोशल ग्रुप्स विच कॉल्स फॉर द अडेयरेंस टू द लिटरल लिटरल मीनिंग ऑफ सरमन और स्क्रिप्चर और डॉक्टर एंड अप्लाई टू दम इन ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कि उनको स्ट्रिक्ट अडेरेंस दिखानी होती है स्क्रिप्चर्स की तरफ या डॉक्टरिन की तरफ और उनको अपने लाइफ में वो अप्लाई भी करना होता है दे बिलीव इन वन एंड ओनली वन ट्रू एक्सप्लेनेशन ठीक है वो फंडामेंटल होते हैं उनको ज़्यादा बातें ये नहीं uh, मतलब वो ज़्यादा एम्बिगुटी में नहीं जाते उनको एक ही एक्सप्लेनेशन वन एंड वन जो ट्रू एक्सप्लेनेशन है उस पर उनका फोकस होता है फर्दर एक्सेस टू द एग्जैक्ट करेक्ट मीनिंग इज लिमिटेड अ फ्यू, गिव्स दम एनॉर्मस अथॉरिटी और अदर्स एज इन केस ऑफ प्रीस क्लर्जी अब देखो इनको क्या है इनके आइडियल्स और व्यू पॉइंट्स क्या है कि इनको स्टिक करना होता है डॉक्टर के साथ खतरनाक तरीके से एंड इनको वन एंड वन ट्रू एक्सप्लेनेशन चाहिए और ये चीज़ें रिलीजन में हर कोई नहीं कर पाता है यूजली एक क्लास होती है प्रीस्ड क्लास जिसपे आप रिलाई करते हो ताकि वो ये सारी चीज़ें आपको बताए और इनको एक्सप्लेन करे तो इसमें उन्हीं का ज्यादा चलेगा ना उस प्रिविलेज फ्यू का जिनको इंटरप्रिट करना आएगा करना आएगा उन स्क्रिप्चर्स को तो यहाँ पे बात कही हुई है ये रिलेटिवली नया इन इमर्ज इन द बैकग्राउंड ऑफ थ्रेट ऑफ मॉडर्निटी एंड ग्लोबलाइजेशन टू ट्रेडिशन इन मॉडर्निटी और ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपका जो ट्रेडिशन है वो डिक्लाइन हो रहा है इस वजह से इसको दोबारा करने के लिए खड़ा करने के लिए लोग क्या हो जाते हैं फंडामेंटल हो जाते हैं वेन एवर देस इन सोसाइटी एंड चेंज ऑफ पेस विच डिस्टर्ब कम्युनिटी लाइफ वेरी ऑफ्टन लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो जाती है रूटलेसनेस अमंग पीपल ठीक है क्योंकि इतनी चेंज हो रही है तो उनके जो रूट्स कहाँ के उनको पता नहीं होता है तो लॉस ऑफ आइडेंटिटी होगी और रूटलेसनेस होगी ऐसी सिचुएशन में पीपल क्लच एनी सपोर्ट फॉर सोलेज और फंडामेंटलिज्म जो है ऐसे सिचुएशन में प्रॉमिस करता है सर्टिहूड एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ एन अर्लियर बेटर एज फॉर द पीपल द साइकोलॉजिकल अपील ऑफ दिस इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट जब लोग चेंज हो रहे हैं उनको अपने रूट्स का नहीं पता उनको चाहिए होता है कि उनको भी कोई आइडेंटिटी मिले और उनके रूट्स कहाँ के हैं वो उनको सारी चीजें क्लियर हो जाए बेसिकली एक सेंस ऑफ प्राइड उनके अंदर आ जाए कि हम भी कुछ हैं तो वैसे टाइम पर जब फंडामेंटल सामने आएंगे और आपको चीजें ऐसे एक्सप्लेन करेंगे फाइन तो आपको वो रेजिस्ट नहीं कर पाओगे और आप उनके फॉलोअर्स बन जाते हो

रिलीजन का ट्रू फॉर्म जैसे वो रिवील हुआ था कोई मॉडिफिकेशन नहीं रिलीजन की फंडामेंटलिस्ट डोंट बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल इक्वालिटीजन उनके लिए उनका अपना रिलीजन जो है वो बेस्ट है ये अपोज करता है रीजन रैशनलिज्म ह्यूमैनिज्म सेक्युलरिज्म को क्योंकि प्रमोट नहीं करता है क्वेश्चनिंग ऑफ बिलवस ये ऐसा क्यों है रिलीजन में ऐसा क्यों है उस चीज को प्रमोट नहीं करता है रिलीजन जो है दे आर ऑल्सो प्रैक्टिकल पीपल और वो चाहते हैं उनके रिलीजन में जो इम्प्यूरिटीज आ गई हैं वो सारी खत्म हो जाएं। वो रिजेक्ट करते हैं ऑल करप्ट लाइफ स्टाइल एग्जाम्पल स्वामी दयानंद क्रिटिक ऑफ द ट्रेडिशनल ऑफ द ट्रेडिशन, ट्रेडिशन सुपरस्टिशन फील्ड वे ऑफ लाइफ ठीक है या मधुदी ने क्रिटिसाइज किया था प्रेजेंट मुस्लिम वे ऑफ लाइफ वाइज इग्नोरेंट या बिंद्रा वाला आपने नाम सुना होगा डॉक्टर सिक्स वो सिख जो बाल भी काटते हैं ठीक है दाढ़ी भी काटते हैं और ऑब्जर्व नहीं करते ऑफ लाइफ तो बेसिकली कोई भी इम्प्योरिटी रिलीजन में आ गई इनके अकॉर्डिंग तो ये उसको कॉल आउट करते हैं टी एर मैदान ने कहा था फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट्स आर ऑफ अ कलेक्टिव कैरेक्टर दे आर ऑफन लेड बाई कैरिजमेटिक लीडर्स हु आर हुई मैन फॉर एग्जाम्पल इरानियन मूवमेंट जो है वो किसने लीड की थी आयत उला खुमैनी ने और सिख फंडामेंटलिस्ट अब्सर्स जो था इट वॉज लेड सेंट बिंद्रावाला वो जो गोल्डन टेंपल में सा था उससे सारा रिलेटेड था ये बिंद्रा वाला वाला कॉन्सेप्ट इन द मेजर स्टडीज टाइटल्ड स्ट्रॉन्ग रिलीजन आलमेंट एंड नोटेड दट डिफरेंट रिलीजन ग्रुप डिफरेंट कंट्रीज में दे आर मूविंग टवर्स फंडामेंटल आइडियलॉजी अलग अलग रीजन के लिए ठीक है काफी रीजन हो सकते हैं जैसे इंप्योरिटीज़ आगे अपने रिलीजन में या ट्रेडिशन ऑर्डर को रेस्टोर करने के लिए तो बेसिकली वो स्टेटस को पुराने स्टेटस को को वापस लाना चाहते हैं विक्ट्री ऑफ डोनाल्ड ट्रंप या राइट विंग पॉलिटिक्स का राइट विंग पॉलिटिशन का जीतना ये भी इस बात को दिखाता है कि फंडामेंटल जो है फंडामेंटल जो है उनका सोसाइटी में काफी ज्यादा नाम हो रहा है ग्रोथ ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म भी एक एग्जाम्पल है विच इज सीन एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूमरस फैक्टर्स इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल क्रिश्चियन मुस्लिम पावर स्ट्रगल जो एशिया यूरोप में मिडिल एजेस में चल रही थी कॉलोनलिज्म में विच लेड टू रिट्रीट ऑफ इस्लाम फ्रॉम मेनी यूरोपियन स्टेट्स ठीक है दीज वर सीन एज कैटेस्ट्रोफिक फॉर इस्लाम एंड द इन एबिलिटी टू चेक द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर लेट नाइनटीन सेंचुरी में दीज लेट टू द रिफॉर्म मूवमेंट्स इस्लाम को रिस्टोर करने के लिए अपनी ऑरिजिनल प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ में उन सारे अटैक्स को काउंटर करने के लिए ठीक है इस वजह से क्या आ गया थे फंडामेंटलिस्ट जो है वो आउटफिट ज्यादा आ गए थे और फंडामेंटलिज्म दोबारा राइज होना शुरू हो गया था राइज ऑफ इस्लामिक स्टेट आई एस आई एस आपका इन द रिसेंट ईयर्स एज ए ग्लोबल फंडामेंटलिस्ट आउटफिट वो भी इस चीज की एक्जाम्पल है

टू दियर स्क्रिप्चर्स आप जिसके स्क्रिप्चर्स ही बहुत ज्यादा होंगे तो उसमें स्ट्रिक्ट एडहेरेंस का तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया वो यूजुअली किन में होता है जिनका एक सिंगल टेक्स्ट उनको ऑफर करेगा और सारे लोगों का बिलीफ जो है वो सेम होगा दैट मीन्स वो बिलीफ के, के रिगार्डिंग सेम पेज पे होंगे उनका फंडामेंटल बनना उनमें फंडामेंटलिज्म के पोटेंशियल ज्यादा होते हैं वो इनसेक्योर हो गए आफ्टर होलोकास्ट इवेंट उन फंडामेंटलिस्टेंट सीजन में डेवलप हो गई फॉर ग्रोथ फंडामेंटलिज्म को एक पोटेंशियल कैरिमैटिक रिक्रुएटर चाहिए जैसे अबू अलब अब अबू बकर अल बगदादी इन केस ऑफ आई एस आई एस वाइडर पोलिटिकल सपोर्ट इज ऑल्सो कंडीसिव फॉर एग फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी फाइन पॉलिटिकल सपोर्ट भी आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल बुद्ध इसमें बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे म्यांमार में उनको उनकी जो मिनिस्टर uh, थी उनकी जो लीडर थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था तो पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से भी ग्रो करती है सेकेंड रिवाइवलिज्म होगा इसको हम ब्रॉडर सेंस में देखते हैं इसका मतलब होता है रिवाइवल ऑफ द रिलीजन इन एनी फॉर्म चाहे वो अटेंडेंस के फॉर्म में हो ग्रोथ ऑफ़ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में हो या फिनोमिना लाइक सेक्ट कल डिनोमिनेशन राइज ऑफ इंडिविजुअल पर्सन स्परिचुअल पीस किसी भी तरीके से आपका जो रिलीजन है उसका रिवाइवल हो रहा है उसको हम रिवाइवलिज्म बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है समझने के लिए Classical evolutionary theorists like Comte, through evolutionary perspective like theological state, metaphysical, or scientific state. प्रिडिक्टेड कि साइंस किसको रिप्लेस करेगा रिलीजन को लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि नई सोसाइटीज में हमारा जो रिलीजन है उसका रिवाइवल भी हो रहा है आप कैसे सेक्ट और कल्ट डेवलप हो रहे हैं कि लोग रिलीजन की तरफ दोबारा जाना चाहते हैं रिवाइवल ऑफ रिलीजन जो है एंड रिलीजन हैज़ नॉट डिक्लाइड इन स्ट्रिक्ट क्लासिकल एवोल्यूशनरी सेंस उन्होंने क्या कहा था आप फिर सिंपल से मॉडर्न सोसाइटीज में आ जाओगे तो मॉडर्न आपकी साइंटिफिक सोसाइटी है रिलीजन की इंपॉर्टेंस जो है इस सोसाइटी में क्या हो जाएगी डिक्लाइन हो जाएगी ठीक है लेकिन ऐसा हमने देखने को नहीं मिला बल्कि रिलीजन का क्या हो रहा है मॉडर्न सोसाइटीज़ में रिवाइवल हो रहा है टूवर्ड द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ ट्वेंटी अटेंडेंसी अक्रॉस द ग्लोबी रोल ऑफ रिलीजन री हो गया है इसको हम फॉलोइंग देखते हैं दिस इज इंक्रीज इंसिट्यूशन एक्सेप्टेंस ऑफ रिलिजन दिस इज ऑब्जर्व एंड इनक्रीजिंग अटेंडेंस एट रिलजियस प्लेस या कंस्रक्शन ऑफ न्यू रिलीजस प्लेस इनक्रीज एक्टिविटीज़ ऑफ़ सेक्स एंड कल्स लाइक इसकॉन ये चीज़ें जो है वो इंप्रूव हो रही हैं जैसे नंबर ऑफ़ गुरद्वाराज बढ़ गए हैं इनफैक्ट टेम्पल मॉस इन सारों के भी नंबर्स बढ़ गए हैं दट मीन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन इंस्टीट्यूशन में जाना पसंद करते हैं इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ रिलीजन एज अ मीडियम जैसे वोटिंग के टाइम पर या पोलिटिकल पार्टीज़ रिलिजन सपोर्ट को यूज़ करती हैं ये सारी चीज़ें ग्रोथ ऑफ़ इनविजिबल और प्राइवेट रिलीजन जो हमने अभी डिस्कस किया था जो लक्ष्मण का थॉमस लक्ष्मण का कॉन्सेप्ट था कि रिलीजन जो है एज अ प्राइवेट एंटिटी इंक्रीज हो रहा है बस पब्लिक स्फीयर में वो दिखना बंद हो गया है या कम हो गया है ग्रोथ ऑफ सिविल या सिविक रिलीजन जो हमने डिस्कस किया ठीक है जो सिविक रिलीजन है इज इमर्जिंग एज अ न्यू फॉर्म ऑफ रिलीजन वेयर सिविक सिंबल्स एंड नेशनलिज्म आर अकॉर्डेड द सेम रिस्पेक्ट एंड फेथ एस ऑफ रिलीजन तो रिलीजन जो है इज़ नॉट ए कग्नेटिव सिस्टम अट ऑफ ड मीनिंगफुल्सपीस टर्नर की एक लाइन है आप रिलीजन के कॉन्टेक्स में इसको याद रख सकते हो यह आपको दिखाते हैं रिलीजन जो अभी भी एग्जिट करता है इनफैक्ट राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ कम्यूनल क्लाशेस भी दिखाता है कि रिलीजन अभी भी इम्पॉर्टेंट है अगर रिलीजन इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्स रिलीजस राइट्स या ये कम्यूनल राइट्स होते हैं ये नहीं होते ये अभी भी हो रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं अब फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनलिज्म आई गेस ये लास्ट टॉपिक है हाँ अब फंडामेंटलिज्म आपको पता है कम्युनलिज्म क्या होता है जब ये थोड़ा आपका रिलीजन को लेके आप वायलेंट हो जाते हो इसमें आप वायलेंस डिपेक्ट करते हो कम्युनल राइट से रिलेटेड है आपका कम्युनलिज्म ठीक है उनके कुछ सडन आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं कॉमन बोथ अटैक द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स दोनों को ही नहीं चाहिए दोनों अपोज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल ट्रूथ इन ऑल रिलीजन या यूनिटी ऑफ डिफरेंट रिलीजन ये इनको अपना ये रिलीजन सेंट्रिक होते हैं कि इनको अपना रिलीजन जो है वही सुप्रीम लगता है और वही बेस्ट लगता है और दूसरा सब कुछ जो है वो उस, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं दोनों एडवोकेट करते हैं कंट्रोल और एजुकेशन बाय द फॉलोअर्स ऑफ द डोमिनेंट रिलीजन तो बेसिकली क्या कहते हैं जो भी आपके इंस्टीट्यूशन है चाहे वो स्टेट हो या आपका एजुकेशन हो वो किसके अंडर होना चाहिए वो डोमिनट uh, रिलीजन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए आपको टीचिंग्स वही होनी चाहिए जो आपको एक रिलीजियस इंसान बना सके ठीक है कम्युनलिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद एंड

तो ये सारी चीजें आप कम्युनलिस्ट हो तो आप फंडामेंटलिस्ट भी हो ऐसा जरूरी नहीं है जैसे एग्जाम में जैसे एग्जाम्पल इंडिया में द हिंदू महासभा आर मुस्लिम लीग अकाली दल ये सारी कम्युनल पार्टीज थी लेकिन ये फंडामेंटलिस्ट इन कैरेक्टर नहीं थे कम्युनलिस्ट लीडर्स जो है वो हमेशा रिलीजियस लीडर्स नहीं होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है फॉर एग्जाम्पल मदूदी जो हमने अभी पढ़ा था जिन्हें कहा था मुस्लिम्स uh, के अंदर भी वो करप्शन आ गया है लाइफ स्टाइल में वो बेसिकली एक जर्नलिस्ट थे और के बी हेगडेवार आर एस एस के फाउंडर वो एक फिजिशियन थे ठीक है

it's stress upon the infallibility of scriptures it is a strong allegiance to one's own ethnic group the fundamentalists tend to separate certain communities from the mainstream रिलिजन बेस्ड अपोजिशन इन इंडियन कॉन्टेक्स कि दूसरे रिलीजन को अपोज करते हैं दिस इज आइडियोलॉजिकल एंड बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग द फेज ऑफ सोशल अपीवल जैसे कम्युनल फ्लेयर्स 1947 में हुए थे उस टाइम के पार्टिशन के टाइम पे और बाकी सोशल अपीवल्स के टाइम पे भी सामने आते रहते हैं तो बेसिकली काम कैसे करते हैं सीड्स शो करते रहते हैं फिर जैसे ही कुछ चेंज आती है सोसाइटी में तो कम्यूनल राइट्स होना शुरू हो जाते हैं ये इस्टैब्लिश करना चाहते हैं एक नॉमेटिव ऑर्डर बाई वेरियस मीनस फ्राम वार्स टू स्पीचेज टू पीसफुल मेथड्स ये स्टैब्लिश करना चाहते हैं सुपर थ्रू वायलेंस फंडामेंटलिज्म एक मूवमेंट है एंड सच मूवमेंटन करिस्मेटिक लीडर जैसे बिंद्रा वाला इंडिया में जिनने वो सिक्स वाला कॉन्सेप्ट दिया था जन जिसमें मैंने आपको सीड्स करते रहते हैं फिर कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट मिलता है और सामने आ जाता है इट मे नॉट बी सस्टेन लाइक फंडामेंटलिज्म फंडामेंटलिज्म जो है वो एज अ मूवमेंट चलती रहती है पर कम्युनलिज्मऐ ऐसे नहीं करती है काम इधर रिजेक्ट ऑल करप्ट लाइफ स्टाइल एंड एम्स टू पर्च कम्युनिटी ऑफ ऑल सोशल से सोसाइटी को जो है वो करप्शन फ्री बनाना चाहती है Have, उनका कोई रिफॉर्मेटिव एजेंडा नहीं होता है कि उनको सोसाइटी को रिफॉर्म करना है फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट रिएक्टिव होते हैं रिस्पॉन्स टू वर्ड द पर्सन इन लाइक द लीडर्स एंड पार्टिसपेंट्स कॉन्सीदर अस यूजली कोई एक इवेंट हो गया उसके रिएक्शन में फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट भी आ सकती है जैसे आर्य समाज का शुद्धि मूवमेंट हुआ था जिसमें कन्वर्जन हुआ था वापस रिकनवर्जन हुआ था मुस्लिम टू हिंदूज और जैसे आपका घर वापसी आगरा का ठीक है तो किन्नी इवेंट्स को लेके ये एक रिएक्टिव चीज भी होती है कि यूजुअली इमर्ज होता है व्हेन देर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड सस्पेशन एग्जिस्ट इन वन और बोथ द ग्रुप्स ठीक है इसमें एंटोग वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह वो सेंट्रल होता है कम्युनलिज्म में वैल प्रमोशन ऑफ द ओरिजिनल है सेंटर सेंट्रल किसका फंडामेंटलिज्म का फंडामेंटलिज्म के टाइम ये स्टेटमेंट जो दिमाग में हमेशा रखना जब भी ये पढ़ोगे कि अडेयर करवाता है आपको स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू द ओल्ड आपके एक्चुअल आइडियल डॉक्टर स्क्रिप्चर्स वगैरह तो ओरिजिनल की तरफ वापस आओ वो बोलता है और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मेन एजेंडा होता है कम्युनलिज्म का परसे पॉलिटिकल पावर जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फंडामेंटल एंड इट इज मोर प्रोटेक्टिव ऑफ इट्स ओन राइट्स एंड बिलीफ्स एंड इट्स एक्सक्लूजनरी इन नेचर ठीक है इनको पॉलिटिकल पावर चाहिए लेकिन ये क्या, इनका क्या चाहिए अपने जो राइट्स और बिलीफ्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और बाकी चीजों को एक्सक्लूड करना चाहते है, हैं है, एक्सक्लूजनरी इन नेचर तो ये क्लियर हो गया सिंपल सा टॉपिक था कि रॉकेट साइंस नहीं था जो जो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं करे होंगे वीडियो में वो इसलिए नहीं किए होंगे क्योंकि सिंपल टू रीड एंड अंडरस्टैंड होंगे वो आप खुद एक बार देख लोगे तो एक बार हम देख लेते हैं चैप्टर हाँ ये खत्म हो गया कंप्लीट सारा चैप्टर आपका अब बस दो चैप्टर बचे हैं नाइन्टी परसेंट आई वुड से नाइन्टी फाइव परसेंट आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया अब सिस्टम्स ऑफ किनशिप एंड सोशल चेंज आपका लास्ट चैप्टर है उसके साथ आपका पेपर ए कंप्लीट हो जाएगा देन वील मूव ऑन टू पेपर बी सो टिल द टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे